Assalamu alaikum. I am Mia Saeed Akbar and you are watching Web Design and Development course offered by StudyPage YouTube channel. So if you have not subscribed our channel yet, so please kindly subscribe the channel to get updated videos and other courses also. Now this is first lecture of the Web Design and Development course. In this first lecture, I am going to discuss about some important tools that we will use frequently in web designing and development. Okay, so the first thing is World Wide Web. What means by World Wide Web, or shortly it is known as web. So what means by web? हम हर रोज बात करते हैं कि web पर ये देखे, web पर ये देखे, किसी ने web पर फलाना चीज दिया था. So what means by web? सो द वर्ल्ड वाइड वेब और WWW और W3, इससे भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. कॉमनली नोन एज द वेब इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड और एक्सेस्ड बाय यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर व्हिच मे बी इंटरलिंक्ड बाय हाइपरलिंक्स एंड आर एक्सेसिबल ओवर इंटरनेट. ओके, तो बहुत लंबा चौड़ा डिफिनेशन था, इसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं. सिंपल अल्फाज में डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंफॉर्मेशन पड़े है उसको जब हम एक्सेस करते हैं तो एक दूसरे के साथ वो इंफॉर्मेशन इंटरलिंक होते हैं और एंड दिस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड वेब. इन अदर वर्ड्स वर्ल्ड वाइड वेब इज द कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट्स और इन अदर वर्ड्स वेब इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस इज द सिंपलेस्ट डिफिनेशन. Web is the collection of information all over the world which are stored on different devices. For example, consider kare Facebook hai. To Facebook ka server duniya mein kisi na kisi jagah par hai. For example, consider kare it is located in America. Aur hum yahan Pakistan se for example ya India se usko access karte hai. Kis tarah access karte hai? हम किसी URL को यूज़ करके उसको एक्सेस करते हैं. URL मींस हम किसी ब्राउज़र को ओपन करके ऊपर लिख देते हैं facebook.com और वो यहाँ से एक्सेस हो जाता है. उस वेबसाइट को हम जब एक्सेस करते हैं तो हमारे सामने वेब ब्राउज़र के अंदर कुछ पेजेस नज़र आते हैं और उन पेजेस में कुछ लिंक्स होते हैं. जब हम किसी एक लिंक पर क्लिक करते हैं तो या फेसबुक के वेबसाइट के अंदर ही हमें कोई और वेब पेज खुल जाता है, मीन्स कोई और डॉक्यूमेंट खुल जाता है, या हम फेसबुक से बाहर किसी और वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट हो जाते हैं. आप कंसीडर करें कि कहीं पर फॉर एग्जांपल जॉब्स आए हैं, एडवर्टाइजमेंट आया है, किसी ने फेसबुक के पेज पर दिया है और हमने उधर क्लिक कर दिया तो हम फेसबुक की वेबसाइट को छोड़ के किसी और जगह चले गए और वो और जगह फॉर एग्ज़ाम्पल कंसिडर करें किसी कंपनी का कोई वेबसाइट है, उधर हम रीडायरेक्ट हो गए तो वो कंपनी का वेबसाइट अभी कंसीडर करें वो किसी सर्वर के ऊपर पड़ा है और सर्वर जो है वो कंसीडर करें कि इंडिया में पड़ा है. तो देखें अभी एक डॉक्यूमेंट था वो अमेरिका में पड़ा था, हमने एक्सेस कर दिया और उस डॉक्यूमेंट से हमने एक और डॉक्यूमेंट एक्सेस कर दिया विच इज़ लोकेटेड इन इंडिया. और कंसीडर करें कि इंडिया की वेबसाइट को हमने एक्सेस कर दिया, अभी उस वेबसाइट के अंदर पेज के अंदर हम नेविगेट कर रहे हैं और हमें ट्विटर का कोई ट्वीट मिल गया, उस पर हमने क्लिक कर दिया और कंसीडर किया कि ट्विटर का जो सर्वर है वो किसी और कंट्री में पड़ा है. तो देखे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डॉक्यूमेंट्स है, जो वेबसाइट्स है, जो वेब पेजेस है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है एंड दिस कलेक्शन इज कॉल्ड वेब और वर्ल्ड वाइड वेब. सो वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट. और अगर आप इस डिफिनेशन के थ्रू जाते हैं तो इसमें यह है कि पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट और हर एक वेबसाइट का या हर एक डॉक्यूमेंट का एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है जिसका शॉर्ट फॉर्म है URL, जिसके थ्रू हम हर एक डॉक्यूमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक, नाउ व्हाट मींस बाय वेबसाइट. वेबसाइट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं कि वेब और साइट, इसको टू वर्ड्स भी कंसिडर कर सकते हैं और सिंगल वर्ड भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं. नाउ A website is the collection of web pages and related content that is identified by a common domain name and published on at least one web server. For example, utmardan.edu.pk, up.edu.pk, google.com and etc. Website kya hai? Kisi khas entity ke related
जो हमारे पास डिफरेंट वेब पेजेस का कलेक्शन होता है वो किसी सर्वर के ऊपर हम रख देते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड वेबसाइट, ताकि आम पब्लिक इसको एक्सेस कर दे और उससे अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सके. सो दिस कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस आर दिस कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वेबसाइट. फॉर एग्जाम्पल किसी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है तो उसमें क्या होता है, उस यूनिवर्सिटी रिलेटेड डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं. वो डॉक्यूमेंट्स या वेब पेज के फॉर्म में होंगे जिस तरह नॉर्मल वेबसाइट्स होते हैं, या पीडीएफ फाइल्स होंगे, या उनके इमेजेस होंगे, या उनके कोई वर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे. सो दिस होल कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एंड वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी. ठीक, और ये पब्लिश करना ज़रूरी है ताकि डिफरेंट लोग जो है इसको पब्लिकली एक्सेस कर सके. अगर एक वेबसाइट आपने बना दिया, कंसिडर कर रहे हैं और आपके साथ अपनी लोकल सर्वर पर पड़ा है लेकिन आप लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते, सो इससे लोगों को फ़ायदा ही नहीं होगा, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा, तो इसको आप वेबसाइट नहीं कह सकते, इसको अपना एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जो कि आप अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नाउ वेब पेज, हमने कहा कि वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. नाउ व्हाट मीन्स बाय वेब पेज, सो अ डॉक्यूमेंट व्हिच कैन बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउजर सच एज फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा एटसेट्रा. इट कॉन्टेन्स हाइपर टेक्स्ट. What means by hypertext? So, a text which contains links to other texts. The links in hypertext are called hyperlinks. Okay. Web page क्या होता है? So, एक ऐसा document जो कि browser के through हम इसको देख सकते हैं, उसको हम कहेंगे web page. For example, इस तरह करती है कि यहाँ इसको देख लेती है. For example, मैं एक्सेस करता हूँ utmardan.edu.pk. तो यहाँ मेरे सामने अब एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, एक पेज ओपन हो जाएगा. दिस इज़ वेब पेज, दिस इज कॉल्ड वेब पेज बिकॉज दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट विच आई कैन रीड यूजिंग द ब्राउजर. ठीक है, सो दिस इज़ अ वेब पेज. क्लियर, ओके. और इसमें हमारे पास टेक्स्ट होता है, ठीक है, इमेजेस होते हैं और हाइपरलिंक्स होते हैं. हाइपरलिंक्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ लिंक, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो किसी और डॉक्यूमेंट की तरफ या किसी और पेज की तरफ मैं रीडायरेक्ट हो जाता हूँ. तो ये जो लिंक है इस डॉक्यूमेंट और प्रीवियस डॉक्यूमेंट के दरमियान, दिस लिंक इज़ कॉल्ड हाइपरलिंक. या फॉर एग्जांपल अबाउट यूटीएम, यहाँ इंट्रोडक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखे मैं किसी और पेज की तरफ जाता हूँ. सो दिस टाइप ऑफ लिंक इज़ कॉल्ड हाइपरलिंक. या फॉर एग्जांपल यहाँ फेसबुक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो फेसबुक की तरफ मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँगा. सो ऑल दीज लिंक्स आर कॉल्ड हाइपरलिंक्स. ठीक है, तो एक ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर हमारे पास इस किस्म की लिंक्स होती है इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट. ठीक है, और इन लिंक्स को कहते हैं हाइपरलिंक्स. ठीक, आगे इस HTML में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि एंकर टैग क्या चीज़ है और इन हाइपरलिंक्स को हम किस तरह क्रिएट करेंगे. ठीक है, यहाँ कहने का मकसद सिर्फ यही था कि वेब पेज क्या होता है, सो अ डॉक्यूमेंट विच कैन बी डिस्प्लेड यूजिंग अ वेब ब्राउजर. ठीक है, और दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉन्टेन हाइपर टेक्स्ट. एंड व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट, अ टेक्स्ट विच कॉन्टेन हाइपर लिंक्स. ओके, नाउ HTML, व्हाट मीन्स बाय HTML, सो HTML इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. What means by hypertext, what means by markup and what means by language. So language से तो ये जाहिर है कि this is some programming language. Computer language, not programming language. ठीक है, तो ये एक computer language है. Markup language means this is not a programming language, this is markup language. Markup means ये एक ऐसा language है जिसमें हम marks use करते हैं, कुछ निशानात use करते हैं. Marks mean निशान. ठीक है, या कुछ tags use करते हैं और जिसके through हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं. ठीक है, अच्छा, हाइपर टेक्स्ट मीन्स एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें हम हाइपर टेक्स्ट लिखते हैं, एक ऐसा टेक्स्ट लिखते हैं जिसमें हमारे पास हाइपर लिंक्स होते हैं, एक ऐसा टेक्स्ट हम लिखते हैं जिसमें हमारे पास एक टेक्स्ट जो है दूसरी टेक्स्ट के साथ लिंक होता है. तो ये पूरा डिफिनीशन हो गया हाइपर HTML का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. एक ऐसा लैंग्वेज जो कि मार्कअप लैंग्वेज होता है, मीन्स मार्क्स यूज़ करता है और जिसके थ्रू हम हाइपर टेक्स्ट जो है वो लिखते हैं. So, hypertext markup language is a computer language that uses tags to define elements within a document. हम tags use करते हैं या marks use करते हैं जिसके through हम different element जो है define करते हैं. It is human readable and contains standard words. Human readable होता है, आगे इंशाल्लाह जाके आप लोग देखेंगे, बहुत simple है, आसानी से आपको पता चलता है. ठीक है, और स्टैंडर्ड कुछ वर्ड्स है, वही वर्ड्स हम यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम डिफरेंट HTML एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे. किस तरह HTML एलिमेंट्स को, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेब पेज है जिसके अंदर इमेज है, सो इमेज के लिए कोई ख़ास
टैग होगा, कोई ख़ास मार्क होगा, कोई ख़ास निशान होगा, वो हम यूज़ करेंगे। इसी तरह एक हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल उस पेज के अंदर टेबल है, तो टेबल के लिए कोई और मार्क होगा, कोई और टैग होगा। इसी तरह हमारे पास टेक्स्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा बड़ा टेक्स्ट है, हेडिंग की फॉर्म में, जिस तरह ये है, तो इसके लिए कोई और मार्क होगा। हाइपर लिंक है, जिस पर हम क्लिक करें किसी और पेज की तरफ जाए, तो उसके लिए कोई और टैग होगा। तो ये देखें, हर चीज़ के लिए यहाँ पर टैग्स होते हैं, और इस HTML में हम इसी तरह डिफरेंट एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर आपने इमेज डिफाइन करना हो तो इमेज का टैग आपने यूज़ करना होगा, अगर आपने वीडियो डिफाइन करना हो तो आपने वीडियो का टैग यूज़ करना होगा। इसी तरह अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल लिस्ट डिफाइन करना हो, कोई बुलेटेड लिस्ट, तो उसके लिए उसके अपने टैग्स है, वही डिफाइन करने होंगे। तो इसमें हम लॉजिक डिफाइन नहीं करते, इसमें जस्ट हम मार्क्स यूज़ करते हैं, टैग यूज़ करते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ वेब पेज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग दीज टैग्स। सो rather than typical programming syntax, इसका कोई syntax वगैरह नहीं होता, just हाँ जो भी टैग आप लिखेंगे आउटपुट में वही चीज़ आपको नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ रियल वर्ल्ड में यहाँ एक एग्ज़ाम्पल देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ वेब पेज, यहाँ हमारे पास इमेज है, तो इस इमेज के लिए इसका कोई टैग है, वही टैग यूज़ किया है। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर ये आई फ्रेम है। ठीक है, इसमें आपको कहते हैं आई फ्रेम, सो आई फ्रेम यूज़ हुआ है यहाँ पर। इसी तरह लिंक्स है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ किसी और पेज की तरफ जाता हूँ, तो यहाँ लिंक के लिए अपना एक टैग यूज़ होता है, अपना एक मार्क यूज़ होता है, तो वही इसके पीछे यूज़ हुआ है। सो HTML में क्या है, जस्ट हम एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं कि इसमें मेरे पास इमेज होगा, इसमें मेरे पास जनरल टेक्स्ट होगा, इसमें हमारे पास इस तरह हेडिंग होगा, इसमें मेरे पास इस तरह के लिंक्स होंगे। तो अभी देखें, लिंक के लिए अपने टैग्स है, जनरल इस तरह के टैग्स के लिए अलग टैग है, पैराग्राफ के लिए, हेडिंग्स के लिए अपने टैग्स है, इमेजेस के लिए अपने टैग्स है, तो वही टैग्स हम HTML में ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ वेब ब्राउज़र। व्हाट मीन्स बाय अ वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र क्या होता है? सो वेब ब्राउज़र इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को हम क्लाइंट किस तरह एक्सेस करेंगे, उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, और उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं वेब ब्राउज़र। जो हमारे पास गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, एंड सो ऑन, डकडकगो है, ये हमारे पास नहीं, सॉरी डकडकगो नहीं, वो सर्च इंजन है। ठीक है, तो ये जो ओपेरा है या ये हमारे पास क्या है, गूगल क्रोम है, दिस इज़ एक्चुअली वेब ब्राउज़र। ठीक है, जिसके थ्रू हम ब्राउजिंग करते हैं इंटरनेट को, ये वेब को ब्राउज़ करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट को इसके ज़रिए हम एक्सेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ google.com, तो गूगल का वेबसाइट एक्सेस हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल youtube.com, यूट्यूब एक्सेस हो रहा है। यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल uetmardan.edu.pk है, तो uetmardan एक्सेस हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली अ टूल यूजिंग विच आई कैन सर्फ द वेब, आई कैन ब्राउज द वेब, आई कैन एक्सेस डिफरेंट वेब पेजेस, सो इट इज़ कॉल्ड अ वेब ब्राउज़र। विच अ यूज़र फॉलोज द URL ऑफ अ वेब पेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेबसाइट, द वेब ब्राउज़र रिट्रीव्स द नेसेसरी कॉन्टेंट फ्रॉम द वेबसाइट्स वेब सर्वर एंड देन डिस्प्लेज द पेज ऑन द यूज़र डिवाइस। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इंट्रोडक्शन के ऊपर, तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर की तरफ, उस सर्वर की तरफ जिस सर्वर के ऊपर uetmardan का वेबसाइट पड़ा है, और वहाँ से इंट्रोडक्शन रिलेटेड जो हमारी मेरा रिक्वेस्ट जाएगा इंट्रोडक्शन रिलेटेड, और वहाँ से रिस्पांस आएगा, और वो रिस्पांस मेरा ब्राउज़र प्रोसेस करके मुझे एज आउटपुट देगा, जिस तरह अभी इसने मुझे ये आउटपुट दिया। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द वेब ब्राउज़र। ओके, व्हाट इज़ वेब सर्वर, अ कंप्यूटर दैट होस्ट अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। वैसे सर्वर क्या होता है, सर्वर अगर हम इसके नाम को देखें, सो समथिंग दैट प्रोवाइड सर्विसेज इज कॉल्ड सर्वर। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ना बॉलर, अ पर्सन हु बॉल, क्रिकेट में जो पर्सन बॉलिंग करता है उसको बॉलर कहते हैं, सिमिलरली जो बैटिंग करते हैं उसे बैटर कहते हैं। इसी तरह एक पर्सन जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको भी आप सर्वर कह सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह एक कंप्यूटर जो कि दूसरे कंप्यूटर्स को या और डिवाइसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको हम कहेंगे सर्वर। ठीक है, सो सर्वर से तो ठीक है, एक ऐसा कंप्यूटर जो कि बाकी और कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो सर्वर बन गया है, लेकिन व्हाट मींस बाय वेब सर्वर, सो एक ऐसा कंप्यूटर जो कि बाकी कंप्यूटर्स को वेब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो उसको कहेंगे वेब सर्वर। सो अ कंप्यूटर दैट होस्ट वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, होस्ट मीन्स वेब रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ प्रोग्रामर आपने एक वेबसाइट डेवलप कर दिया, फिर आपने क्या करना होगा, उस वेबसाइट के लिए आपने एक सर्वर पर स्पेस लेना होगा, उसको हम कहते हैं होस्टिंग। नॉर्मली हम कहते हैं ना कि इसके लिए होस्टिंग परचेज करनी होगी, उसका मतलब यही होता है
कि आपने तो वेबसाइट क्रिएट कर दिया, वेबसाइट की फाइल्स आपके पास आपके कंप्यूटर के ऊपर पड़े हैं, अभी ये फाइल आपने किसी सर्वर के ऊपर रखनी होंगे ताकि बाकी लोग पूरी दुनिया से उसको एक्सेस करके उसके सर्विसेज को एक्सेस कर दें। सो वी कॉल इट होस्टिंग। सो आप उसके लिए स्पेस लेंगे और उसके ऊपर अपनी उस सर्वर के ऊपर अपनी वी फाइल रखेंगे तो पूरी दुनिया से लोग जो है उसको एक्सेस कर सकेंगे और उसके सर्विसेज लेंगे। सो अ कंप्यूटर दैट होस्ट वेबसाइट ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड अ वेब सर्वर। द क्लाइंट मीन्स द वेब ब्राउजर। क्लाइंट कौन होता है? जो सर्वर को एक्सेस करता है उससे सर्विसेज लेता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यूटी मर्दान की वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। सो हम क्लाइंट हैं और ये यूटी मर्दान का वेबसाइट एक्चुअली जहाँ पर पड़ा है, इसके फाइल जहाँ पर पड़े वो सर्वर है। सो हम उस कंप्यूटर को एक्सेस करके उसके सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है। सो हम क्लाइंट में गए, वो सर्वर बन गया। अ कंप्यूटर दैट होस्ट अ वेबसाइट को कहें द क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट एंड द सर्वर रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर अकॉर्डिंगली उसको रिस्पांस देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ मैसेज फ्रॉम द डीन, तो मेरे तरफ से रिक्वेस्ट जा रहा है कि मुझे डीन का मैसेज दिखा दे, तो मुझे सर्वर से रिस्पांस वही आ रहा है डीन का मैसेज। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इंट्रोडक्शन टू क्यूसी, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे इंट्रोडक्शन टू क्यूसी वाला पेज दिखा दे और सर्वर से वही रिस्पांस आ रहा है, ठीक है। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर अकॉर्डिंगली रिस्पांस वापस भेजता है। ओके, नाउ दिस इज़ अनदर टूल सर्च इंजन। व्हाट मींस बाय सर्च इंजन? आप सबने गूगल यूज़ किया होगा, ठीक है, गूगल का वेबसाइट यूज़ किया होगा। गूगल इज़ एक्चुअली अ कंपनी, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है उसके है और वर्ल्ड वाइड डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ईमेल सर्विसेज इसके बहुत ज़बरदस्त है, जीमेल नाम सबने सुना होगा। तो एक उनका एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है, दैट इज सर्च इंजन, जो कि तकरीबन पूरी दुनिया में लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। सो सर्च इंजन क्या है? एक ऐसा वेबसाइट जिसके थ्रू हम फर्दर वेब को सर्च कर सकते हैं, उसको कहते हैं सर्च इंजन, ठीक है। सो अ वेबसाइट दैट हेल्प्स यू फाइंड अदर वेब पेजेस आर वेबसाइट्स विल बी कॉल्ड सर्च इंजन, सच एज गूगल, बींग, याहू, डकडको एट्सेट्रा। दीज आर डिफरेंट वेबसाइट्स विच कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू यू, विच कैन प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू विच वी कैन सर्च फर्दर द वेब, ठीक है। तो इस किस्म के वेबसाइट्स को हम क्या कहेंगे, सर्च इंजन। सर्च इंजन आर नॉर्मली एक्सेस थ्रू वेब ब्राउजर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ google.com। सो यहाँ मैं कुछ भी सर्च करता हूँ और ये मुझे फौरन जो है रिजल्ट्स देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ वेब डिज़ाइन, ठीक है। तो देखें, एक तो इसने ये कर दिया कि मैंने डिज़ाइन का स्पेलिंग गलत लिख दिया, इसने ऑटोमेटिकली इसको ठीक करके मुझे रिजल्ट शो कर दी। और यहाँ देखें 0.6 सेकंड में इसने मुझे कितनी रिजल्ट्स शो कर दी, अबाउट 241 रिजल्ट्स इन्हें शो कर दी। सो दिस इज सर्च इंजन, जिसकी एक ऐसा वेबसाइट या एक ऐसा टूल जिसके ज़रिए मैं वेब को सर्च कर सकता हूँ, उसको हम कहेंगे सर्च इंजन। What means by URL? URL stand for Uniform Resource Locator. Uniform Resource Locator. अभी हमने कहा कि वेब हमारे पास क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर जो इंफॉर्मेशन पड़े है और वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है यूजिंग सम हाइपरलिंक्स। इस पूरी कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन को कहते हैं वेब, ठीक है। अभी इस वेब में हम एक एक एलिमेंट को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल यूटी मर्दान का कोई पेज है, ठीक है, utmardan.edu.pk, तो इसका कोई वेब पेज है। फॉर एग्जांपल दिस इज वेब पेज, इसका एक यूनिक एड्रेस है, ये वाला utmardan.edu.pk/utm/, दिस इज एड्रेस ऑफ दिस वेब पेज। अभी यहाँ मैं क्लिक करता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैसेज फ्रॉम द चांसलर, सो ये एक और पेज ओपन हो गया और इसे एक यूनिक एड्रेस है दुनिया में किसी भी जगह। आप ब्राउज़र में ये एड्रेस जो है इंसर्ट कर दे तो आपको यही डॉक्यूमेंट जो है दिखाई देगा, कोई और डॉक्यूमेंट दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये कि दुनिया में जितने भी वेबसाइट्स है उसके अंदर जितने भी फाइल्स है या उसके अंदर जितनी भी पेजेस है, हर एक का एक यूनिक एड्रेस होता है ये, एंड दिस इज़ कॉल्ड URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स लोकेटर मींस कि आपको कोई रिसोर्स लोकेट करके दे रहा है। अभी देखें मुझे रिसोर्स लोकेट करके दे रहा है क्योंकि मैं जहां भी क्लिक करता हूं, या फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका ये एड्रेस कॉपी कर दूं, यहां पेस्ट कर दूं, तो वही डॉक्यूमेंट ये मुझे ओपन करके देगा,
ठीक है. सो दिस इज अ रिसोर्स लोकेटर, इसके जरिए मैं कोई यूनिक रिसोर्स लोकेट कर सकता हूँ. यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका पैटर्न यूनिफॉर्म होता है, इसका अपना एक पैटर्न है, अपना एक फॉर्मेट है. ठीक है. सो यू आर एल स्टैन फ्रॉम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यू आर एल इज द एड्रेस ऑफ अ गिवन यूनिक रिसोर्स ऑन द वेब पेज, ऑन द वेब सॉरी. ठीक है. तो अगर आपके पास किसी वेबसाइट के ऊपर PDF फाइल पड़ा है तो उसका भी यूनिफॉर्म एड्रेस होगा, यूनिक एड्रेस होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर आपके पास वर्ल्ड डॉक्यूमेंट पड़े हैं तो इसके भी यूनिफॉर्म URLs होंगे. अगर आपके पास इस तरह HTML फाइल्स है, PHP फाइल्स है, उसके भी यूनिफॉर्म रिसोर्सेज सॉरी यूनिफॉर्म एड्रेसेस होंगे, एंड दीज एड्रेसेस आर URLs. सो इसका फॉर्मेट इस कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पर आपके पास प्रोटोकॉल होगा HTTP या HTTPS. ठीक है. और कोलोन डबल स्लैशेस डोमेन नेम, और उसके बाद ये ऑप्शनल है, आपके पास में भी इस तरह के पाथ्स होंगे UTM/department/something, और इसमें इस तरह के आपके पास पैरामीटर भी हो सकते हैं. ठीक है. आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं इस फॉर्मेट को. सो A URL is composed of different parts. Some are mandatory and other are optional. The most important parts are highlighted on the URL below. For example, scheme. सबसे पहले तो scheme है. HTTP क्या है? Hypertext Transfer Protocol. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. अगर नाम को हम देखें तो Hypertext. वही बात, एक ऐसा text जिसमें hyperlinks होते हैं. Transfer means अभी ट्रांसफ़र की बात आ गई कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र होगा. प्रोटोकॉल मींस इस प्रोटोकॉल के थ्रू. प्रोटोकॉल क्या होता है? सो प्रोटोकॉल इज़ द सेट ऑफ रूल्स. ऐसे रूल्स यूज़ होंगे जिसके थ्रू हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम सर्वर टू द क्लाइंट और फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर. सो यहाँ हम प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं, क्योंकि क्लाइंट से सर्वर की तरफ सिर्फ हाइपरटेक्स्ट नहीं आता, फाइल्स भी आते जाते हैं और इस तरह और भी ईमेल कम्युनिकेशन होती है. तो हर एक के लिए अपने प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज़ होंगे ये हमारे पास हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा या हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होगा, HTTPS होगा या HTTP होगा. दोनों में डिफरेंस ये है कि HTTP में जो हमारे पास HTML कोड होता है, यहाँ जो हाइपरटेक्स्ट होता है वो प्लेन फॉर्म में जाता है, जिस तरह मतलब यहाँ पर आपको नज़र आता है उसी तरह ये जाता है. जबकि HTTPS में ये सिक्योर फॉर्म में जाता है, इनक्रिप्ट होता है, और इनक्रिप्शन के बाद ये सर्वर की तरफ जाता है और सर्वर से क्लाइंट की तरफ आता है. ठीक है. तो एक में सिक्योर होता है जो कि बैंक्स वगैरह के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्रेडिट कार्ड नंबर्स और इस तरह सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं, तो वहाँ HTTPS ज़रूरी है. बाकी ऐसी वेबसाइट जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है या इस किस्म के, तो उसके लिए HTTPS इतनी ज़रूरी नहीं होती. ओके. फिर ये फॉर्मेट है उसका कोलोन डबल स्लैशेस, फिर www.example.com, फॉर एग्जांपल www.utmardan.edu.pk वगैरह, ये इसको कहते हैं डोमेन नेम. अभी डोमेन नेम क्या होता है? तो जो फाइल्स आपके किसी सर्वर के ऊपर पड़े हैं उस सर्वर के का अपना एक एड्रेस होगा, एंड दैट एड्रेस इज़ IP एड्रेस. ह्यूमन के लिए IP एड्रेस याद रखना मुश्किल है, क्योंकि वो नंबर्स होते हैं, उसका अपना एक फॉर्मेट होता है. सो फिर क्या होता है कि ह्यूमन के लिए IP एड्रेस जहन में याद रखना मुश्किल है, तो इसीलिए ह्यूमन जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट को आसानी से याद रख सकता है. इसीलिए google.com, utmardan.com ये हमारे पास डोमेन नेम यूज़ होते हैं. ठीक है. एक्चुअली बिहाइंड दिस डोमेन नेम IP एड्रेस इज़ यूज्ड, बट फॉर द सेक ऑफ मेमोरेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन डोमेन नेम्स यूज़ होते हैं. ठीक है. बल्कि मशीन जो है वो IP एड्रेसेस ही बैग में यूज़ करते हैं. ये जो डोमेन नेम होते हैं ये फिर मैप होते हैं. IP एड्रेसेस में डिटेल में नहीं जाता क्योंकि चीज़ें फिर ज़्यादा कंफ्यूजिंग बन जाएंगी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद है पोर्ट एड्रेस. अभी पोर्ट एड्रेस क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें किसी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल द यूनिवर्सिटी इज़ XYZ यूनिवर्सिटी. XYZ यूनिवर्सिटी में आप चले गए और आप फॉर एग्जांपल एडमिशन कर रहे हैं, तो एडमिशन सेक्शन उधर है, एग्जिस्ट कर रहा है. आप गेट पे चले गए, गेट पे आपने पूछ दिया कि एडमिशन सेक्शन कहाँ पर है, तो आपको फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड ने भेज दिया किसी ब्लॉक ए की तरफ कि वहाँ पर एडमिशन सेक्शन है, आप जाए उधर आपका काम हो जाएगा. दूसरा बंदा आ गया, उसके क्लासेस है, स्टूडेंट है, तो उसने कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी क्लासेस है, तो उसको एकेडमिक ब्लॉक की तरफ उन्होंने भेज दिया. तीसरा बंदा आया, वो कह रहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ पर है, मैंने अपना फॉर्म सबमिट करना है फॉर जॉब एप्लीकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसने रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ ब्लॉक बी में फॉर एग्ज़ाम्पल उसको भेज दिया. तो अभी देखे एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है,
एक और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर कोई एडमिशन ले रहा है उसको भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, अगर कोई जॉब एप्लीकेशन दे रहा है उसको भी सेम टाइम पे सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, और अगर कोई क्लासेस ले रहा है उसको भी सेम टाइम पर ही सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन डिफरेंट लोगों को डिफरेंट साइट पर वो डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सिमिलर सिनेरियो यहाँ पर है। अगर आप यहाँ आते हैं, ठीक है, utmardan.edu.pk फॉर एग्जांपल या google.com, तो google.com या UT मर्दान का जो सर्वर है वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आपको कौन सा सर्वर चाहिए, सर्विस चाहिए? तो कंप्यूटर में हर एक प्रोसेस का, या मैं कहूँगा हर एक सर्विस का अपना एक पोर्ट एड्रेस होता है। ठीक है, तो हमें क्या, कौन सा सर्विस चाहिए? हमें वेब सर्विस चाहिए, जो कि जिसके ज़रिए हमें HTTP या फॉर एग्जांपल हमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र हो, हमें वही सर्विस चाहिए। तो उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 यूज़ होता है। आप लोगों को ये कभी भी दिखाई नहीं देगा यहाँ पर, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल फाइल अपलोड करनी हो या कोई और आपने ईमेल भेजना हो वगैरह, तो उसके अपने पोर्ट एड्रेसेस होंगे, वो यूज़ होंगे। ठीक है, तो पोर्ट एड्रेस का यही मतलब होता है कि एक कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल प्रोसेस या मल्टीपल सर्विसेज एक टाइम पर रन हो रहे होते हैं, तो इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके लिए जो एड्रेस यूज़ होता है डेट इज़ कॉल्ड पोर्ट एड्रेस। तो आपने उसका पोर्ट एड्रेस भी बताना होगा। ठीक, और उसके बाद पाथ है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने utmardan.edu.pk को एक्सेस कर दिया, उसके अंदर हमने UTM फोल्डर को एक्सेस कर दिया, उसके अंदर एक और फोल्डर है QEC, और QEC के अंदर फॉर एग्जांपल इंडेक्स QEC के अंदर हमारा ये पेज पड़ा है, या QEC के अंदर फॉर एग्जांपल एक और फोल्डर है इंडेक्स, उसके अंदर हमारा पेज है QEC_AIMS.html/AMIS। सो दिस इज़ एक्चुअली द पाथ, ये आपका रूट पाथ बन गया। रूट के अंदर फोल्डर, फिर फोल्डर, फिर फोल्डर, अगर फोल्डर के अंदर कोई पेज है तो वही। सो ये आपके पास पाथ बन गया है, तो यहाँ तक हम पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा URL बन गया। इसके बाद जो है ये, अगर फिलहाल आप लोग को समझने में दुश्वारी हो रही है तो बाद में इंशाल्लाह जब हम PHP स्टार्ट करेंगे इसकी समझ आपको आएगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना बता दूँ कि आप कंसिडर करें कि दिस इज़ सम PHP फाइल, और इस PHP फाइल या HTML फाइल में फिर हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया है, और जो इस फंक्शन को कुछ पैरामीटर की ज़रूरत है, तो पैरामीटर हम यहाँ इस तरह पास कर सकते हैं, key1 एंड key2, दीज आर टू पैरामीटर विच विल पास टू सम फंक्शन विच विल एग्जिस्ट इन माई फाइल HTML or my file.php and so on। ठीक है, अच्छा, somewhere in the document this is anchor, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल जब मैं इस पेज को एक्सेस करता हूँ तो बाई डिफ़ॉल्ट इस पेज का ये हेडिंग सेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं कह दूँ कि नहीं, जो बंदा इसको एक्सेस कर दे और वो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ फूटर में आ जाए, ऑटोमेटिकली फूटर में वो आ जाए या फूटर उसको नज़र आ जाए, तो यहाँ मैं एक एंकर टैग दूंगा और इसी तरह URL में उसको हैश के साथ मैं यहाँ लगाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली यूज़र नीचे आएगा। इसलिए समवेयर इन द डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा है और एंकर टैग लिखा है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखना है वो ये है कि URL क्या होता है। सो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो हमारे पास वेब डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, हर एक डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस होता है, एंड दैट एड्रेस इज़ कॉल्ड URL। उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है कि HTTP या HTTPS होता है, :// फिर डोमेन नेम और फिर पाथ टू दिस फाइल। बस ये हमारे पास क्या है, URL है। ओके, Notepad++, व्हाट इज़ Notepad++? Notepad++ इज एन ओपन सोर्स टेक्स्ट एंड सोर्स कोड एडिटर यूज विद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अभी देखें, हम कोडिंग करेंगे इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर से, लेक्चर 2 से या लेक्चर 1.1 से हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे HTML। सो इसके लिए हम एक बहुत बेसिक टेक्स्ट एडिटर है, दैट इज़ Notepad++, उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और आप एडवांस IDEs भी यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, लेकिन वो हम यूज़ करेंगे आफ्टर सम टाइम। ठीक है, ताकि ये बेसिक IDE इसलिए अभी यूज़ करते हैं ताकि आप लोगों को टैग्स भी जहन में थोड़े बहुत रिमेंबर हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है। और फिर उसके बाद हम एडवांस IDEs की तरफ जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल NetBeans या Atom या Atom या Sublime Text या विजुअल स्टूडियो एडिटर एटसेट्रा, उसकी तरफ भी हम जाएंगे लेकिन बाद में। सो Notepad++ इज़ एन ओपन सोर्स कोड एडिटर विच वी यूज़ विद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इट सपोर्ट टैब एडिटिंग विच अलाउ वर्किंग विद मल्टीपल ओपन फाइल इन सिंगल विंडो। इसका मतलब यह है कि एक टाइम पर आप मल्टीपल फाइल्स में काम कर सकते हैं। Notepad++ को किस तरह हम डाउनलोड करेंगे, सो यहाँ लिखते हैं Notepad++ डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाए, यहाँ से देखें, यहाँ क्लिक कर दें,
और यहाँ से नोट पैड प्लस डाउनलोड कर दें। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है और मैंने इंस्टॉल भी किया है, दिस नोट पैड प्लस प्लस सिंपल स्टेप्स है, आप इंस्टॉल कर दें तो आपके साथ इस तरह एक आइकन भी आ जाएगा और इसमें आप काम कर सकते हैं आसानी से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसमें हम काम करेंगे, एचटीएमएल पेजेस इसमें हम बनाएंगे। ओके, लैंग्वेज इज़ यूज फॉर प्रोग्रामिंग वेबसाइट्स। नाउ डिफरेंट लैंग्वेजेस कैन बी यूज फॉर प्रोग्रामिंग वेबसाइट्स, बट all those languages are divided into two groups, client side languages and server side languages. client side languages wo languages hai jo ke browser support karta hai, for example html, css, javascript, these are the languages which are compiled by the browser. browser ki taraf html aata hai, css aata hai, javascript aata hai, browser usko process karke hame output deta hai, ठीक है। सो HTML में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेब पेज है, उसमें इमेज है, वीडियो है और बड़ा टेक्स्ट है और कुछ लिंक्स है, तो ये एलिमेंट्स मैं HTML में डिफाइन करूँगा कि इमेज होगा, फॉर एग्जांपल टेबल होगा, लिंक्स होंगे, बड़ा टेक्स्ट होगा, तो ये चार पाँच एलिमेंट्स हो गए, ये HTML में मैं डिफाइन हुआ करूँगा। अभी CSS में क्या करते हैं, हम स्टाइल देते हैं इन एलिमेंट्स को कि इमेज होगा लेकिन उसका साइज़ कितना होगा, उसके साथ शेड होगा नहीं होगा, टेबल है फॉर एग्ज़ाम्पल उस टेबल में बॉर्डर्स होंगे नहीं होंगे, उस टेबल में टेक्स किस कलर का होगा, ठीक है। तो ये सारे स्टाइलिंग वगैरह जो है हम स्टाइल CSS में देते हैं। जावास्क्रिप्ट में क्या डिफाइन करते हैं, जावास्क्रिप्ट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HTML इज़ मार्कअप लैंग्वेज, CSS इज़ स्टाइल लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स इसमें हम लॉजिक डिफाइन कर सकते हैं, अगर मुझे कुछ ऑपरेशंस करने की ज़रूरत है तो वो मैं HTML CSS में नहीं कर सकता, वो मैं जावास्क्रिप्ट में ही करूँगा। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर क्रिएट करते हैं, तो कैलकुलेटर में फॉर एग्जांपल बटन क्रिएट करने हैं तो मैं HTML में क्रिएट करूँगा, बटन को स्टाइल देना है CSS में दे दूँगा। अभी बटन से काम लेना तो बटन से काम लेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक। सर्वर साइड लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेटर क्रिएट कर दिया, अभी कैलकुलेटर एक बंदे ने यूज़ कर दिया, उस बंदे की इन्फॉर्मेशन मैं अपने साथ स्टोर करना चाहता हूँ, सो फॉर स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन आई नीड सम डेटाबेस, एंड विद टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस आई नीड सम सर्वर साइड लैंग्वेज बिकॉज द डेटाबेस विल बी स्टोर्ड ऑन सम सर्वर, ठीक है। सो फॉर दिस पर्पज वी विल मूव टूवर्ड्स सर्वर साइड लैंग्वेज, एंड इन सर्वर साइड लैंग्वेज वी कैन यूज़ मल्टीपल लैंग्वेजेस, PHP, जावा, C#, पाइथन, रूबी ऑन रेल्स एंड सो ऑन। और हमारे अपने इस कोर्स में हम PHP पढ़ेंगे सर्वर साइड पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड कोर्सेज, और इंशाल्लाह इस कोर्स को हम आगे ले जाएंगे। ये मेरा लिंक है, मेरे चैनल का लिंक है youtube.com/@study_page पर आप जाए तो मेरा पेज आपको मेरा चैनल आपको मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलेंगे और कोर्सेज भी स्टार्ट करेंगे साथ साथ में। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।